गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर हिस्ट्री, चैप्टर नंबर सेकंड, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। फर्स्ट चैप्टर इज कंप्लीटेड, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकंड चैप्टर, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड टू टेरिटरी? ट्रेड मीन्स बिजनेस, कि व्यक्ति किस तरह से अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, टेरिटरी कि किस तरह से वो अपना पूरा जो बिजनेस है, पूरा जो उसका एम्पायर होता है उसको सेटअप करता है। तो हम ये हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो इट मींस ये जो किंग जो हुए और बड़े बड़े उनके किंगडम्स जो हुए उनसे रिलेटेड होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर का एंड किस तरह से हुआ? औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर्स। इट इज इम्पोर्टेंट, औरंगजेब मुगल जो रूलर्स थे उनमें सबसे पावरफुल एंड लास्ट रूलर था। इन 1707 आफ्टर हिज डेथ मैनी मुगल गवर्नर्स एंड बिग जमींदार इस्टेब्लिश्ड रीजनल किंगडम्स। इन 1707 में आफ्टर हिज डेथ, उसकी डेथ के बाद काफी सारे जो मुगल गवर्नर्स थे, सरदार थे, बिग जमींदार थे, बड़े बड़े जो जमींदार थे, उन्होंने अपने अपने साम्राज्य स्थापित कर लिए। इट मीन्स जो मुगल साम्राज्य जो चल रहा था, जो डायनेस्टी जो चल रही थी, वो पूरी तरह से बिखर गई थी। क्योंकि उसके बाद जो औरंगजेब जो सबसे लास्ट एंड सबसे पावरफुल रूलर था, क्योंकि उसके बाद जितने भी रूलर आए कोई पावरफुल नहीं था, वो पूरे मुगल साम्राज्य को बांध कर नहीं रख सके, जिसकी वजह से जो गवर्नर जो बने हुए थे, सूबेदार जो थे, जमींदार जो थे, उन्होंने अपने अपने इंडिपेंडेंस जो किंगडम थे वो एस्टैब्लिश कर लिए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी मीट्स ब्रिटिशर्स, अंग्रेज। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर ब्रिटिशर्स के लिए यूज किया गया है, ब्रिटिशर्स को ईस्ट इंडिया कंपनी बोला जाता था। कम्स ईस्ट, ईस्ट में जब आई, वास्को डी गामा, सबको पता है समुद्री मार्ग की जो खोज की गई हमारे लिए इंडिया की, वो 1498 में वास्को डी गामा ने की थी। इट इज कॉमन या एक जनरल नॉलेज क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा ने ही 1498 में सी रूट की खोज की थी, समुद्री मार्ग की इंडिया तक पहुंचने के लिए। द पोर्टुगीज वर द फर्स्ट यूरोपियन हु केम टू इंडिया। एक पोर्टुगीज जो था वास्को डी गामा, यानी कि पुर्तगाली, पोर्टुगीज मतलब पुर्तगाली, ये जो था इंडिया में पहुंचने वाला पहला यूरोपियन था। They established their presence in the western coast of India and had their base in Goa. इसने अपनी पहली presence जो बनाई वो western coast पर आए, यानी कि इंडिया के west part पर आए, और अपना base जो था वो Goa को बनाई। It means सबसे पहले वास्को डी गामा 1498 में Goa के जो coast था, जो bank का, sorry, समुद्र का जो किनारा था, वहां पर पहुंचा था। In 1600, the East India Company acquired a चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड। और 1600 जो ईस्वी थी, सेंचुरी है, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स ने एक इंग्लैंड के जो रूलर्स थे उसका एक चार्ट बनाया। बाय अर्ली 17th सेंचुरी द डच एंड द फ्रेंच ऑल्सो अराइव्ड ऑन द सी। उसके बाद अर्ली 17th सेंचुरी में डच और फ्रेंच भी इंडिया में आए, धीरे धीरे आने लगे। पहले ब्रिटिशर्स आए, फिर डच आए, यानी कि सबसे पहले वास्को डी गामा आया, फिर उसके बाद डच आए, फ्रेंच आए, तो बाकी सभी फिर आने लगे। ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग्स सच एज कॉटन एंड सिल्क, पीपर, क्लो, कार्डबंस एंड सिनोम, विच क्रिएटेड कॉम्पिटिशन एंड अल्टीमेटली रिड्यूस द प्रॉफिट दैट कुड बी अर्न। धीरे धीरे जब बाकी जो कंपनी जी जो थी वो आने लगी हमारे देश में, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई यहाँ पर बिजनेस करने के लिए, वैसे वैसे दूसरे जो डच आए, फ्रेंच आए और दूसरे जो लोग आए बाहर से, वो भी अपना बिजनेस सेटअप करने लगे, जिसकी वजह से कॉम्पिटिशन बढ़ गया। अब सब लोगों के पास कॉटन सिल्क के कपड़े होते थे बनने वाले कंट्रीज में, तो सब लोग क्या करते, उसको ज़्यादा कंपटीशन होने लगा, सब अपना प्रॉफिट कमाने के लिए अच्छे से अच्छा बनाते, उसको अच्छा करते कि किस तरह से उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। टू सिक्योर मार्केट देयर फॉर लीड टू फ्रेश बैटल बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनी। और ये अपनी खुद की मार्केट को सेफ करने के लिए, सिक्योर करने के लिए, कि वो किस तरह से उसको सेफ कर सकते, ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, जो ट्रेडिंग जो कंपनी थी उनके बीच में एक तरह से वॉर स्टार्ट हो गया, बैटल मीन्स वॉर, युद्ध स्टार्ट हो गया।
ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन ट्रेड इन बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में सबसे पहले अपना ट्रेड जो है वो स्टार्ट किया। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वो सेट अप ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली इन 1651। फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री जो स्थापित की गई, यानी कि ब्रिटिशर्स ने अपनी पहली जो फैक्ट्री स्टाब्लिश की वो हुगली रिवर के पास 1651 में स्टाब्लिश की थी। एज ट्रेड एक्सपेंडेड द कंपनी प्रोड्यूस्ड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। और इसके लिए अपनी ट्रेड को बढ़ाने के लिए कंपनी ने क्या किया, जो ज्यादा से ज्यादा जो मर्चेंट्स थे यानी कि ट्रेडर्स थे उनको फैक्ट्री के पास में ही उनको सेटल होने के लिए कहा गया कि वो आए और वहां पर पास में ही सेटल हो जाए। By 1696, it begins building a fort around the settlement. और धीरे धीरे 1696 तक उन्होंने अपने फोर्ट बनाने, इट मीन्स किले बनाने स्टार्ट कर दिए प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि उन्होंने पहले अपनी जो फैक्ट्री स्टाब्लिश की 1651 में, उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपने प्रोटेक्शन के लिए किले बनाने, चारों तरफ जो राज्य की जो दीवार होती है बड़ी बड़ी उनको किला बोला जाता है, फोर्ट, तो वो बनाने स्टार्ट किए। वो किस लिए होते, प्रोटेक्शन के लिए। 2 years later, the company gained जमींदारी rights over 3 villages. धीरे धीरे कंपनी ने अपना आधिपत्य जमाना स्टार्ट किया। उन्होंने आसपास के जो 3 गांव थे उनके ऊपर अपनी जमींदारी पर था, यानी कि जो फार्मर्स थे उन तक पहुंचना भी स्टार्ट कर दिया। वन ऑफ द विलेज वो कालीकटा, लेटर केम टू नोन एज कोलकाता। पहला उसमें से एक था कालीकटा, कालीकट कोलकाता को ही बोला जाता है, एंशियंट नेम कोलकाता का एंशियंट नेम। हाउ ट्रेड लीड टू बैटल, और ये ट्रेड किस तरह से बैटल बना, यानी कि जो ट्रेड चला, ये बिजनेस चला वो बैटल किस तरह से बन गया। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द बंगाल नवाब एसर्टेड देयर पावर एंड ऑटोनॉमी। औरंगजेब की डेथ के बाद बंगाल का जो नवाब था उसने अपनी जो पावर थी उसके पास और उसके जो कह सकते हैं कि अधिकार थे या उसका जो अथॉरिटी थी उसकी, उसने पूरी तरह से उसको ब्रिटिशर्स को सौंप दिया था। द बैटल ऑफ प्लासी, इट इज इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, द बैटल ऑफ प्लासी इन 1756 सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द डेथ ऑफ अली वर्दी खां। अली वर्दी खां बनने के बाद, अली वर्दी खां पहले बंगाल का नवाब था, उसके मरने के बाद 1756 में सिराजुद्दौला जो था वो बंगाल का नवाब बना। द कंपनी वॉज कीन ऑन अ पपट रूलर सो इट हेल्प ऑफ वन ऑफ द सिराजुद्दौला रिवर्स बिकेम द नवाब विदाउट सक्सेस। तो कंपनी क्या चाहती थी, कैसे रूलर चाहती थी बंगाल में, जो पपेट, पपेट मतलब कठपुतली बनकर रहे, इनके ब्रिटिशर्स के इशारों पर काम करे। इसीलिए उन्होंने सिराजुद्दौला का जो रिवर्स था मतलब उसका जो दुश्मन था उसका साथ दिया सिराजुद्दौला को हराने के लिए। एंग्री सिराजुद्दौला आस्क्ड द कंपनी टू स्टॉप इंटरफेयरिंग इन द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द ऑफ हिज डोमिनेंस स्टॉप फोर्ट फिक्शंस एंड पे द रेवेन्यू। सिराजुद्दौला गुस्से में, सिराजुद्दौला जब सिराजुद्दौला के दुश्मन का साथ दिया ब्रिटिशर्स ने, तो सिराजुद्दौला ने कंपनी को यानी कि ब्रिटिशर्स को अपने पॉलिटिकल अफेयर्स में, देश के जो राजनीतिक जो व्यवहार चल रहा था उसमें उनको इंटरफेयर करने के लिए मना बोला, और उनको फोर्ट नहीं बना इसलिए भी मना किया गया, और वो टैक्सेस पे करे क्योंकि वो बिजनेस कर रहे थे। अब बाहर की कंपनी हमारे देश में आती है तो वो टैक्सेस पे करती ही है, तो वैसे ही उनको भी टैक्सेस पे करने होते थे, बट ब्रिटिशर्स टैक्सेस नहीं दे रहे थे। तो सिराजुद्दौला ने उनको फोर्स लिखा कि आप टैक्सेस पे करें और हमारे देश के किसी भी तरह के किसी मैटर में इंटरफेयर ना करें। After negotiation failed, the Nawab marched with 3,000 soldiers to the English factory as Kasim Bazar. जब सिराजुद्दौला की बात नहीं मानी ब्रिटिशर्स ने, तो सिराजुद्दौला ने अपने 30,000 सैनिक लेकर ब्रिटिशर्स की जो फैक्ट्री थी कसीम बाजार में उसके ऊपर उसने हमला बोल दिया। कैप्चर द कंपनी ऑफिशियल्स, कंपनी के ऑफिसर्स को वहां पर पकड़ लिया गया। लॉक्ड द वेयरहाउस, disarmed all Englishmen and blocked English ship. और वहाँ पर उन सभी को, सभी जितने भी वहाँ पर काम करने वाले जो ब्रिटिशर्स थे उनको वहाँ का जो वेयर हाउस था, स्टोर हाउस था, वहाँ पर बंद कर दिया गया। सभी के जो ब्रिटिशर्स थे उनके हथियार छीन लिए गए और वहाँ की जो सिप जो आती थी जो ट्रेडिंग के लिए उसको रोक दिया गया। He then marched to Kolkata to establish his control over the company fort. फिर उसके बाद आगे बढ़ा सिराजुद्दौला
कंपनी का जो फोर्ट था, जो किला बनाया हुआ था, उस पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए कोलकाता के पास वो आगे बढ़ा। एज द न्यूज ऑफ द फॉल ऑफ कोलकाता रीच्ड, कंपनी ऑफिशियल्स इन मद्रास सेंट फोर्स अंडर द कमांडर ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। जब ये न्यूज मिली ब्रिटिशर्स को कि सिराजुद्दौला आगे बढ़ रहा है कोलकाता की तरफ, तो कंपनी ने अपने एक कमांडर रॉबर्ट क्लाइव को उसके साथ युद्ध करने के लिए भेजा। इन 1757 द रॉबर्ट क्लाइव लीड कंपनी आर्मी मार्च अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी। प्लासी इज अ प्लेस, प्लेस का नाम है प्लासी। तो जब सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव को भेजा गया, तो 1756 में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला की प्लासी के मैदान में युद्ध हुआ दोनों के बीच में। द नवाब वॉज डिफीटेड एज द फोर्स लीड बाय मीर जाफर। और इस बैटल में नवाब जो था, यानी कि सिराजुद्दौला हार गया, क्योंकि मीर जाफर जो लीडर था, यानी कि सेनापति जो था, वन ऑफ द सिराजुद्दौला कमांडर, नेवर फोट द बैटल, उसने बैटल ही नहीं लड़ी। सेनापति, राजा के हाथ में नहीं होती है सेना, सेना किसके हाथ में होती है, सेनापति के हाथ में होती है। और यहाँ पर सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था, मीर जाफर। वो ब्रिटिशर्स से मिल गया था, ब्रिटिशर्स ने उसे बंगाल का नवाब बनाने का लालच दिया, जिसकी वजह से उसने सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया। और रॉबर्ट क्लाइव के साथ जो प्लासी में जो बैटल हुई, इसमें सिराजुद्दौला हार गया। आफ्टर द डिफीट एट प्लासी, सिराजुद्दौला वॉज एक्सेप्टेड एंड मीर जाफर मेड द नवाब। यहाँ पर हारने के बाद, प्लासी में हारने के बाद, सिराजुद्दौला जो था उसको नवाब की पद से हटा दिया गया और मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। मीर जाफर डाइड इन 1765, द मूड ऑफ द कंपनी हैड चेंज्ड। मीर जाफर 1765 में उसकी डेथ हो गई और कंपनी ने अपने रूल्स चेंज किए। फाइनली इन 1765 द मुगल एम्पीरियर अपॉइंटेड द कंपनी एज दीवान ऑफ द प्रोविनेंस ऑफ बंगाल। और जब मुगल एम्पायर जो चल रहा था, वहां पर मीर जाफर की डेथ के बाद वहां पर नवाब बनाने बंद कर दिए और एक नई पोस्ट जो है कंपनी ने वहां पर स्टाब्लिश की, दीवान। दीवान मीन्स जो बंगाल का राज्यभार संभालेगा और वो व्यक्ति होगा जिसको ब्रिटिशर्स अपनी तरफ से अपॉइंट करेंगे। तो एक नई पोस्ट वहां पर लागू कर दी गई। आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन एंटायरली स्टॉप्ड आफ्टर द एग्जम्पशंस ऑफ दीवानी, एज नाउ रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंस। अभी ये सब कुछ होने के बाद, जब ब्रिटिशर्स ने अपने प्रोविनेंस बंगाल में बना दिए, दीवान बना दिया, तो अपने सभी तरह के जितने भी जो रेवेन्यूज वगैरह होते, लेती थी ब्रिटिशर्स, देते थे, वो सब कुछ बंद हो गया। अब ब्रिटिशर्स बिल्कुल खुले तौर पर वो अपना काम कर सकते थे। कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब, नबोब। कंपनी ने किस तरह से वहां पर नबोब, नबोब इट मींस नवाब। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द एक्चुअल नवाब ऑफ बंगाल वर फोर्स्ड टू गिव लैंड एंड वास्ट सम ऑफ मनी एज पर्सनल गिफ्ट टू कंपनी ऑफिशियल। प्लासी की बैटल के बाद एक्चुअल में जो बंगाल का जो नवाब बनाया गया, उसको जबरदस्ती ये कहा गया या उसको फोर्सफुली कि कंपनी को वो गिफ्ट देगा और कंपनी जैसा चाहेगी वैसा काम उससे करवाएगी। मैनी कंपनी ऑफिशियल्स लाइक क्लाइव, जो ऑफिशियल्स, ऑफिशियल मतलब ऑफिसर्स, रॉबर्ट क्लाइव जिसने प्लासी का बैटल लड़ी थी, मेड वास्ट वेल्थ। हाउएवर नॉट ऑल कंपनी ऑफिशियल्स सक्सीड इन मेकिंग मनी। सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला रॉबर्ट क्लाइव ही जो ऑफिसर बना, उससे पहले कोई भी ऑफिसर इतनी ज्यादा पैसा कमाने वाला नहीं बना था, या सबसे ज्यादा कंपनी की इनकम करवाने वाला जो गवर्नर या जो कमांडर था वो रॉबर्ट क्लाइव ही था। दोज हु मैनेज टू रिटर्न ब्रिटेन विद वेल्थ लेट फ्लैसी लीव्स एंड फ्लेंटर देयर रिचेज, दे वर कॉल्ड नवाब्स। इन एंजलाइज्ड वर्जन ऑफ द इंडियन वर्ड नवाब, ये इंडिया का जो वर्ड नवाब उसका ही एक, इंग्लिश में उसको नेबो बोला गया था। ब्रिटिश जो थे उनकी जो प्रोनाउंसिएशन होता था वो नवाब को नेबो बोल सकते थे। तो सबसे रिच व्यक्ति जो बन के गए, यानी कि यहाँ अभी तक जितने भी इंडिया में आए थे, कोई भी जो गवर्नर जनरल था या कोई भी कमांडर था, इतना पैसे वाला या इतने रुपए नहीं कमाए जितने रॉबर्ट क्लाइव ने कमाए थे और कंपनी की इनकम सबसे ज़्यादा करवाई थी। नेक्स्ट वन, इसके अलावा आप लोगों को यहाँ तक आपको कंप्लीट ये
रीड करना है, ये जितने भी नोट्स दिए उनको रीड करना है, समझ में नहीं आए वो मुझे आप पर्सनली मैसेज करके बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।